दिल्ली के द्वारका में बच्चों के स्कॉलरशिप से जुड़ा 50 करोड़ का घोटाला सामने आया है। द्वारका में सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आने वाले सेंटर फॉर कल्चरल रिसोर्सेज एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी CCRT हर बच्चे को 12,500 रुपए देता है, लेकिन ये पैसा इन बच्चों के अकाउंट में पहुंचने की बजाय आरोपी अपने रिश्तेदारों और जानकारों के अकाउंट में जालसाजी से ट्रांसफर करवा लेता था। इस मामले में मुख्य आरोपी संदीप कुमार और इस इंस्टीट्यूट में ही काम करने वाले कौशिक सिन्हा रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन पुलिस को कई और लोगों के इस घोटाले में शामिल होने का शक है। दिल्ली से आरती पांडे, नवोदय टाइम्स।